तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दे रखा है, गिवेन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कोई एक सेट है जो एम्प्टी नहीं है, एक्स है, कंसीडर पी एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। यहाँ पे पी एक्स एक हमने सेट लिया जो एक्स के सारे सबसेट्स का कलेक्शन है, यानी इसको हम पावर सेट बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिया 1, 2, 3, ये एक सेट है, इसको हमने एक्स कंसिडर किया, तो पी एक्स में किस तरह के एलिमेंट होंगे, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे कहता है डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स एज फॉलोज। तो हमने पी एक्स पर एक रिलेशन डिफाइन किया आर, किस तरह से, फॉर सबसेट ए बी इन पी एक्स। अब इसमें जो है वो सबसेट्स हैं, ठीक है, अगर इसका कोई सबसेट ले हम, जैसे ए मैंने लिया सबसेट है एक्स का, तो यहाँ पे ए जो है वो इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो सेट है वो इसका एलिमेंट होगा, क्योंकि इसमें सारे सबसेट्स हैं तो ये भी इसमें होगा, तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू पी एक्स, ठीक है। ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में कैसा रिलेशन है, ए सबसेट है बी का। इज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी एक्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और हमें इसको देखना है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे देखो, जब भी हम नोटेशन कर देते हैं ना, जैसे यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी दे रखा है, कोई रिलेशन अगर आर है और दो एलिमेंट हैं आर के, तो इनको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, दो तीन तरीके होते हैं, जैसे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी, या फिर बी इज इक्वल टू आर ए, इस तरह के कई सारे नोटेशन होते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं या फिर इसको इस्तेमाल करते हैं, ये सारे नोटेशन हम इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे ये वाला दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले होता है रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हर सेट खुद का सबसेट होता है, जैसे मैंने लिया एक अगर सेट लिया ए इज इक्वल टू 1, 2, ठीक है, तो 1, 2 जो है वो भी खुद का सबसेट होगा, ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे ये हमारा इसका सबसेट होगा। सेम चीज यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ ए कोई सेट लेता हूँ पी एक्स में, तो ए जो है वो ए का सबसेट होगा। दिस इंप्लाइज दैट ए रिलेटेड टू ए, दिस इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए रिलेटेड टू ए, ये होती है रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, इफ ए कॉमा बी, या फिर ऐसे लिखे ए रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए, अगर ए रिलेटेड है बी से तो बी रिलेटेड होना चाहिए ए से। अब यहाँ पे अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो ये जो है ना ये सिमेट्रिक नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे यहाँ पे एक सेट लिया 1, 2, और इसके अगर मैं सबसेट लूँ, एक तो सबसेट होगा, नए सिरे से एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1, 2, एक तो सबसेट होगा इसका सिंगलटन 1, दूसरा इसका ये खुद ही सबसेट हो जाएगा 1, 2, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि x और y, यहाँ पे x सबसेट है y का, क्योंकि सिंगलटन 1 जो है वो सबसेट होता है सिंगलटन 1, 2 का, तो यहाँ पे ये तो होता है, इसका मतलब ये हुआ कि x रिलेटेड टू y, ठीक है, लेकिन y जो है वो सबसेट नहीं है x का। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 जो है ये सबसेट नहीं होगा सिंगलटन 1 का। सबसेट की डेफिनेशन ये है कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 यहाँ पे है पर 2 यहाँ पे नहीं है, तो ये इम्प्लाई करेगा वाई इज नॉट रिलेटेड टू एक्स। जबकि होता क्या है कि अगर ए रिलेटेड टू है बी, बी रिलेटेड टू होना चाहिए ए, लेकिन यहाँ पे एक्स रिलेटेड टू वाई है, लेकिन वाई रिलेटेड वाई नॉट रिलेटेड टू एक्स। This implies that R is not symmetric. तो इसका मतलब ये हुआ कि R हमारा symmetric नहीं है।
इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर एक भी फेल कर गई तो फंक्शन तो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे सिमेट्रिक फेल कर गई तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां से हम डायरेक्ट बोल देंगे कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, हमें ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहां पे ये जो है ट्रांजिटिव हो तो जाएगा, ठीक है, ट्रांजिटिव तो हो जाएगा लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक जो फेल करता है ना उसी को अगर हम लिख दें तब भी हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो जाता है। तो यहां पर यह हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन समाप्त, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही।